बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। वेलकम करता हूँ एमबी किचन में। आज एक और रेसिपी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज मैंने बोनलेस चिकन लिया है, आज इसके पकौड़े बनाने लगे हैं। 1 किलो बोनलेस चिकन लिया है, इसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। बीच में से ब्रेस्ट चिकन का पीस था, उसको ऐसे ब्रिक ब्रिक काट लिया है। ज़्यादा मोटा नहीं है, ज़्यादा थिक नहीं है, पतले पतले स्लाइसेस बना लिए। इसके अंदर आधा चम्मच जीरा है, आधा चम्मच अजवाइन, लाल मिर्च और दड़ा मिर्च 1 चम्मच लिया है, धनिया पाउडर 1 चम्मच 1.5 चम्मच लिया है, काली मिर्ची 1/4 लिया है। ये ऐड कर देंगे। एक मैंने हाफ लेमन लिया है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे इसका रस। और उसके बाद 2 चम्मच मैंने दही के लिए, इसको अच्छी तरह ऐड कर लेंगे। हाँ जी, चिकन हमारा अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे और थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट रखा हुआ था, ये भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, इसके बगैर भी अच्छे बनते हैं। हाँ जी, यहाँ पर बेसन ऐड करूँगा, बिल्कुल थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे। वन स्पून जितना हम ऑयल यूज़ करेंगे। हाँ जी, चिकन का मसाला हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें, चिकन इसमें नज़र आ रही है, मसाला बिल्कुल कम कम लगाया। अब इसको आधे घंटे के लिए हम कवर करके रख देंगे। हाँ जी, आधे घंटा हो चुका है। मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन और धनिया, ग्रीन धनिया थोड़ा सा डाल दिया था, ये भी ऑप्शनल है। हाँ जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर ऐसे इसको फ्राई पे डाल देंगे। इस तरह सारे मिक्स कर लेंगे। हाँ जी, चेक करते हैं। ये देखें जी, चिकन के पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था ताकि अच्छी तरह अंदर से पक सके। इसके साथ आपको रेसिपी को मैं अभी आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। माशाल्लाह जी, ये देखें, चिकन के पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही खस्ता और बेहतरीन बने हैं माशाल्लाह। ये देखें जी, छोटे छोटे बनाए हैं और बहुत ही अच्छे बने हैं। इसके साथ ही वीडियो का अख्ताम करते हैं। आप भी इस ट्राई रेसिपी को अपने घर पे ट्राई करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर खिदमत होगा। तब तक अपना, अपनी फैमिली का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।